बच्चों, ये हमारा परिवेश का पहला पाठ है, हमारा परिवार। तो आज हम ये करेंगे। मेरे पास पुरानी किताब है, तो मैं पुरानी किताब से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो अपने अपनी अपनी किताबों में ये पाठ इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करना। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये मधु के परिवार का है। मधु के परिवार में उसकी दादी, दादा, माँ, पापा और उसका भाई मोनू रहता है। आप एक परिवार देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग रहते होंगे। मधु के दादाजी बाजार जा रहे हैं। बाजार से शक्कर, नमक और सरसों का तेल लाना है। माँ ने मोनू के लिए पेन मंगाया है और धागे भी। मधु को पेंसिल बॉक्स खरीदना है, वह भी दादाजी के साथ बाजार जा रही है। तो मधु के जो दादाजी हैं वो बाजार जा रहे हैं, और वो बाजार से तरह तरह के सामान उनको लेकर आना है। माँ ने मोनू के लिए पेन मंगाया है और धागे भी, और मधु भी अपने दादाजी के साथ कुछ सामान खरीदने जा रही है। मधु और दादाजी घर से निकले ही थे कि पीछे से आवाज़ आई, दादाजी, दादी जी की दवा का पर्चा तो घर पर ही रह गया है, दादी जी की दवा भी लानी है। मधु ने पलट कर देखा तो मोनू था। दादी जी ने पास के मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर मोनू को दे दी। घर आकर उसने दादी को दवा खिलाई। दादाजी परिवार के सभी लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सभी की बातों को सुनते हैं। दादाजी घर के मुखिया हैं। मधु के दादाजी की तरह उसकी दोस्त शीतल की माँ भी अपने परिवार का ध्यान रखती हैं। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं। तो मधु के घर में जो उसके दादाजी हैं वो परिवार के सभी सदस्यों का बहुत ध्यान रखते हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और वो घर के मुखिया हैं। और इसी तरीके से मधु के जो दादाजी की तरह उसकी दोस्त शीतल की माँ घर की मुखिया हैं, क्योंकि शीतल के जो पापा और चाचा हैं वो शहर में काम करते हैं। बाजार से लौटकर दादाजी और मधु घर पहुँचे। माँ आंगन साफ कर रही थी। घर में पड़ोस के सुरेश चाचा बैठे थे। मधु ने उन्हें प्रणाम किया, उनके लिए मिठाई और पानी लेने गई, लेकिन घर में मिठाई तो थी नहीं। मधु सोचने लगी पानी के साथ क्या दें, तभी देखा पापा पानी और बिस्किट लेकर आए। सुरेश चाचा ने बिस्किट खाया और पानी पिया। दादाजी से थोड़ी देर बात करके सुरेश चाचा चले गए। मधु ने झोले से पेन निकालकर मोनू को दे दिया। शक्कर, नमक और तेल लेकर मोनू ने रसोई में रख दिया। माँ ने धागे ले लिए, मधु ने अपना बॉक्स लिया। मधु और मोनू अपने परिवार में और क्या-क्या काम करते हैं, ये चित्र आप देख रहे हैं। तो घर में खेतों में पानी डालना, मिलकर बिस्तर बिछाना, गाय को चारा देना, कपड़े तहाना, तो आप सब लोग भी अपने घरों में ये सब काम करते होंगे। मधु के परिवार में खेती का काम होता है। खेती के अलावा उसके पापा कपड़ों पर प्रेस भी करते हैं। माँ, मधु और मोनू इस काम में उनकी मदद करते हैं। अब तो मोनू ने भी अपने पापा से प्रेस करना सीख लिया है। दादाजी के साथ मधु और मोनू पेड़ पौधों की देखभाल भी करते हैं। परिवार के लोग मिलजुल कर घर के सभी काम करते हैं। हम सब परिवार के साथ रहते हैं। हमारे परिवार में माता पिता, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची होते हैं, बुआ भी होती हैं। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। परिवार में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, साथ साथ घूमने जाते हैं। किसी के बीमार होने पर परिवार के सभी लोग देखभाल करते हैं।
परिवार के लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी एवं दादी जी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं, पढ़ने में भी सभी लोग हमारी मदद करते हैं। परिवार में हम सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो बच्चों, हमारे परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, जैसे कि दादा, दादी, बुआ, चाचा, चाची, ताऊ। आप लोगों के परिवार में भी बहुत सारे लोग होते होंगे। सभी परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर सब काम करते हैं और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये पाठ जो है, आप लोग इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करना। कल फिर मैं इस पाठ के बारे में और कुछ भी बताऊंगी।